चर्चा लगातार जारी है, आखिर नोटबंदी से हासिल क्या हुआ है? मान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आरोप वही जो ढिंगरा साहब ने लगाए थे कि कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ये घोटाला था, जानबूझकर किया गया था, ये गलती नहीं थी, ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। और सवाल यहाँ पर यही है कि सर, 18 लाख जो अकाउंट आप बता रहे हैं कि संदेह के घेरे में हैं, क्या सिर्फ यही एक अचीवमेंट है? क्योंकि कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, वो अचीवमेंट नहीं हो? देखिए मिंद्र, ऐसा है कि जो कांग्रेस का आर्गुमेंट है या जो श्रीमान राहुल गांधी जी का आर्गुमेंट है, तो मुझे लगता नहीं है कि उनका मेंटल कैनवस इतना बड़ा है कि वो नोटबंदी को प्रॉपरली समझ पाएँ या डिमोनेटाइजेशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं और इकोनॉमिक के जो ऊपर उसके असर आए हैं उसको समझ पाएँ। बहरहाल उनके आर्गुमेंट को 2 मिनट के लिए साइड पर रख के, तर्क जो रविंद्र ढुल जी ने दिया कि इकोनॉमी 2% नीचे गई है, तो मेरा ख्याल है या तो ढुल साहब अखबार नहीं पढ़ते या टीवी नहीं देखते। इनफैक्ट 8.2% की दर से जीडीपी हमारी इस क्वार्टर में बढ़ रही है, जो बनस्पत पिछले साल की तिमाही, देखिए अपन ईयर ऑन ईयर नोटबंदी से पहले के आंकड़े देखिए। सुनो नहीं ये हाँ नहीं, ढुल साहब, ईयर ऑन ईयर पिछले साल 5.59% थी इस क्वार्टर की, इस साल टोटल जीडीपी नौ फीसदी से ज्यादा थी जब नोटबंदी लागू हुई। दैट वाज द करेक्ट टाइम, दैट वाज द एप्रोप्रिएट टाइम टू ब्रिंग इन सच अ रिफॉर्म। देखिए क्या है, महिंदर यहाँ तो मेरे को बोलने का अवसर दिया जाए, या अगर आपने और ढुल साहब ने लगातार बीच में काटना है तो मैं मौन होकर आप लोगों की बात सुन के चला जाता हूँ, मैं अपनी बात रखूंगा ही नहीं। पता है सर, अगर मेरे को, अगर आपने मेरे को मेरी बात रखने का, देखिए और हम जिक्र, देखिए आप याद कीजिए, नोटबंदी जब लागू हुई थी सर, तो उम्मीदें ये थी तमाम लोगों की कि अब जो काले धन वाले हैं आपके प्रश्न बहुत लंबे होते हैं और उत्तर आप उतना सुनने का मादा नहीं रखते। बहरहाल कृपया करके मेरी बात सुनने का प्रयास कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। भारत के अंदर 2 प्रकार की इकोनॉमी चलती थी, एक पैरेलल इकोनॉमी और एक एक्चुअल इकोनॉमी। नोटबंदी का जो असल काम था, फॉर्मल का जिक्र कर रहे हैं या फिर जो एक काले धन की एक इकोनॉमी थी और एक, देखिए आपका जो इंटरप्रिटेशन हो वो आप लगा लीजिए। मैं पूछ रहा हूं सर, बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि एक पैरेलल इकोनॉमी चलती थी जो काले धन की इकोनॉमी चलती थी, जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर चलती थी, जो कैश की अर्थव्यवस्था चलती थी, और एक थी वो अर्थव्यवस्था जो वास्तव में बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से चलती थी, जो डिजिटल थी। अब ये कहना खत्म हो गई क्या? आपके पास होगा साहब, मेरे पास नहीं है। आप बताएंगे ना, मेरे पास तो नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो खत्म हो गई है। देखिए ऐसा है, देखिए आपकी नोटबंदी के अगर 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 सुनिए मैं अपना उत्तर दे रहा था, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है ढिंगरा साहब? फिलहाल मैं अपनी बात रख रहा था, मैं ये कह रहा था कि एक पैरेलल इकोनॉमी थी जो खत्म हो चुकी है। अब टेररिज्म की बात कर रहे थे ढुल साहब, तो मैं आपको बता दूं कि नोटबंदी के तुरंत बाद से उससे पहले कितनी पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स होते थे, उसके बाद क्या हुआ है। 26/11 जैसा कोई भी बड़ा इंसिडेंट अगर आप मुझे एक गिनवा दें कि कोई हुआ हो तो बता देना नोटबंदी के बाद। देखिए जो फंडिंग, जो टेररिज्म की फंडिंग है, अगर आपके देश का 99.3% पैसा बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ गया है, और अगर आपकी मान लें कि 100/100 पैसा बैंकिंग सिस्टम के अंदर वापस आ गया है, तो कोई भी पैसा कहीं से विड्रॉ होके अगर किसी टेररिस्ट के पास जाएगा तो एक ट्रेल छोड़ेगा और वो ट्रेल पकड़ी जा सकती है। और महेंद्र जी आपका प्रश्न, ढिंगरा साहब से पूछा जाना चाहिए। ढिंगरा साहब, दिक्कत क्या है कि अगर जितना पैसा था जो अलग अलग तरीके से, जिसका एड्रेस नहीं था सरकार के पास, अगर वो आ गया है सरकार के पास, अब सरकार को पता है कि ये किसका पैसा है, किसके अकाउंट में है और ये कहां जा सकता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? इसे उपलब्धि क्यों नहीं माना जाना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात जो इन्होंने ये कहा था कि वो जो सारा धन हमारे पास काला धन है वो वापिस आएगा, वो नहीं आएगा वापिस। अब वो वापिस आ गया तो इन लोगों को वही 4 लाख करोड़ अरे भैया सुनो देनी चाहिए कि वो किसका है। सुनो, और दूसरी बात, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, 18 लाख खाते हैं उस नोटबंदी के दौरान, सबको नोटिस इशू हुए हैं, सबको नोटिस इशू हुए हैं। 6 करोड़ से 10 करोड़ के टर्नओवर का जो इंडस्ट्री और जो बिजनेस
जो इंडिया छोड़ के लोग बाहर चले गए वो उसका नुकसान की भरपाई जो है। अरे भैया आपके वाड्रा नहीं गए अभी, वो भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। आपको जिस बात की चिंता हो रही है ना साहब, अर्थव्यवस्था के अंदर आप 6 लाख लोगों की बात करते हैं, 130 करोड़ भारतीय आज भी भारत के अंदर हैं, आज भी नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाहर चली गई चिंता हो रही है, जो लोग बाहर चले गए, बंद हुई है सेल कंपनीज, बंद हुई है ढिंगरा साहब, 50% इंडस्ट्री बंद हुई है। ढिंगरा साहब कौन से 50% कहां से लेके आते हैं आप आंकड़े? ढिंगरा साहब आप आरबीआई की रिपोर्ट की बात कीजिए, ढिंगरा साहब हो रही है, ढिंगरा साहब कहां लिखा है? ढिंगरा साहब मान साहब से सवाल, ढिंगरा साहब के ऊपर, ढिंगरा साहब कांग्रेस ये कह रही है कि काला धन था इस देश की अर्थव्यवस्था में, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप बीजेपी से उम्मीद लगा रहे हैं। कांग्रेस ने ये किस सरकार के दौरान हुआ, किस सरकार के दौरान हुआ और किसने कार्रवाई नहीं की और किसने कार्रवाई की? सुनिए, ये वक्तव्य जो है ये मोदी जी के वक्तव्य थे 2014 से पहले की, देश के अंदर जो काला धन है उसका भरमार है वो 4 लाख करोड़ के आसपास है और वो निकल के आएगा, ये इन्हीं का वक्तव्य था। इन्हीं ने कांग्रेस का क्या स्टैंड है, वो है या नहीं है, और है तो वो किसकी सरकारों के दौरान हुआ? हम तो ये सवाल ही पूछ रहे हैं कि वो कहां है, नहीं है वो बताएं, मतलब इनको काला धन था अर्थव्यवस्था में, कह रहे हैं कि वो 4 लाख करोड़ था इतना अर्थव्यवस्था में, आज तक वो फिगर 2 साल के अंदर आउट क्यों नहीं हुई, नंबर वन। नंबर टू, अगर इन्होंने इनके पास वो 4 लाख करोड़ रुपया बीजेपी के लोगों के पास काला धन था जिसकी ये बात कर रहे थे, वो 4 लाख काला धन, जो 4 लाख करोड़ काला धन था वो कहां गया? उसकी ये सर क्या बीजेपी चार, जो 4 साल के दौरान हुआ होगा, अगर आपका आरोप जो बीजेपी के 7 स्टार ऑफिस बने हैं क्या उनमें लग गया, या बीजेपी के जो सारे देश के अंदर बीजेपी की जो इमारतें बनी है जिसको बीजेपी ऑफिस कहा जा रहा है उनमें लग गया, या ये जो कुछ लोग इस तरह के हैं जिस तरह के एक एक अकाउंट के अंदर एक ही दिन के अंदर 80-80 करोड़ रुपया जिनके लोग खातों में आ गया उनके पास गया, ये क्लैरिटी करें इस बात की कि वो 4 लाख करोड़ काला धन जो है वो कहां गया। अमित शाह के बेटे जय शाह के अकाउंट के अंदर एक ही रात में पैसे इतने कहां गए? ढुल साहब को ले लेते, काफी देर से खामोश बैठे हुए हैं। ढुल साहब यही देखने को मिलता है कि अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, 18 लाख अकाउंट्स का कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी हुई है, 2 साल में तो गिनती हो पाई है नोटों की, 18 लाख अकाउंट्स के होल्डर के ऊपर नोटिस जारी किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगी, कार्रवाई होगी, कितना इंतजार करना पड़ेगा? उम्मीद है कि कार्रवाई हो जाएगी इस टर्नओवर के दौरान? देखिए एक भाई, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मान करके चलिए कि ये बहुत लंबा 18 लाख का मतलब है कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भारत के अंदर इतना बड़ा स्टाफ नहीं है कि वो बहुत जल्दी कर पाएगा, ये काम सालों साल चलेगा, चलता रहना चाहिए और सरकार का दायित्व है, डिपार्टमेंट का दायित्व अपना करेगा। मेरे जो बुनियादी सवाल है उन बुनियादी सवालों पर महेंद्र जी अभी भी कोई मेरे पास में उत्तर नहीं है कि आपने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ जाएंगी और आपकी जो कैश की ट्रांजेक्शन है जिसे कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को और ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है वो घट जाएंगी। एक एक करके जवाब लेते हैं जो 2017 के अंदर वो भी खत्म हो गया डिजिटल मनी, वो कहां गया? जब नोटबंदी हुई थी उसके ठीक है डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ गया था, लेकिन वापस अब रिपोर्ट ये है कि जितना करेंसी जितने बड़े नोट सिस्टम में थे उतने वापस आ चुके हैं, कहां फिर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन कहां हो रहा है? मैं बताता हूं महेंद्र, मेरे पास आंकड़े, मैं आंकड़े भी दूंगा, फिलहाल जो दो एक बातें ध्यान में आई उनका मैं उत्तर दे दूं। पहले तो वीडीएस वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम की बात चली, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर 50% पैसा जो टैक्स के रूप में जमा करा के 4 साल का लॉक इन पीरियड देके बिना ब्याज के पैसा जमा करा के उसके अंदर भी लोगों ने पैसा जमा कराया, गरीबों के कल्याण के लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है। अगर आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तो मेरा ख्याल है कि शायद कांग्रेस पार्टी को, चाहे राहुल गांधी जी हों चाहे केवल ढिंगरा जी, न्यूनतम स्तर तक कहाँ पे, मैं नहीं समझता कि एक कहावत जो पुरानी थी आंवले का खाया और बुजुर्ग का कहा बाद में समझ में आता है, तो इनको ये बात नहीं समझ में आती। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का असर आते आते नजर आते आते दिखता है। और आप ये केवल राहुल गांधी हैं या विपक्ष नहीं, है नहीं। या केवल ढींगरा साहब है, मेरा निवेदन है, मेरे को बात करने दीजिए। हाँ, फैक्ट्स पे जा रहा हूं और ये सवाल निरंतर चाहे वो चाहे चाहे आने वाले दिनों में दिखेगा, ये उनसे पूछेंगे, चाहे वर्ल्ड बैंक, सवाल उधर से आया है, सुनिए मैं उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं, अगर मेरे को बीच में रोका ना जाए तो। मैं आई एम बिल्डिंग माई आंसर जी, प्लीज लेट मी अलाउ मी। मैं ये कह रहा हूं कि इनके अलावा अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या कोई भी और बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे रेटिंग इंस्टीट्यूशंस हो, आप ये बता दीजिए किसने कोसा ट्रांसपेरेंसी, किसने कोसा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 76 या
79 इतना रेट था, रेटिंग थी, नंबर पे था भारत, अब 81 पर पहुंच गया नोटबंदी से पहले। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान करते हुए अपने संबोधन में भी कहा था। मैं उत्तर देता हूं, अब और ऊपर पहुंच, उत्तर लीजिए आप। भारत आज विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में छठे पायदान पे है, कांग्रेस के राज में हम 70-80 के पायदान से ऊपर कभी नहीं आए। अगर आपने अर्थव्यवस्था की बात करनी है और डीमोनेटाइजेशन का, अगर आपने अर्थव्यवस्था के ऊपर असर देखना है, तो आज देखिए हम छठे पायदान पे खड़े हैं, हम फ्रांस से आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, आप जिस बात का जिक्र मोदी जी ने 2016 के संबोधन में करा है, और मैं आपको आज 2018 की 1 सितंबर की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं हमारी भारत की अर्थव्यवस्था एक गर्व का विषय है कि आज पूरे विश्व में छठे पायदान पे है। तो क्या डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी को लाने के बाद अर्थव्यवस्था के ऊपर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कह रहे हैं या विपक्ष इल्जाम लगा रहा है, तो ये क्या अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ी है? तो क्या इसके अंदर डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का कंट्रीब्यूशन नहीं है?